वेलकम डियर फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वर्ल्ड अफेयर फ्राम ट्वेंटी अप्रैल टू थर्टी अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर ऑर्डर टू लीव रशिया इन एन एक्ट ऑफ रिवेंज ऑन अप्रैल ट्वेंटी 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 थ्री छब्बीस अप्रैल दो हजार तेईस को रशिया ने किस मुल्क के डिप्लोमेट्स को यह हुक्म जारी किया है कि वो रशिया को छोड़ दें सो द आंसर इज नरवीजियन असल में हुआ क्या है के नार्वे ने रशिया के कोई पंद्रह के लगभग डिप्लोमेट्स को नार्वे से एक्सपेल किया है तो उसके जवाब में एज अ रिवेंज रशिया ने नार्वे के दस डिप्लोमेट्स को ये कहा है कि वो रशिया को छोड़ दे। इससे पिछले हफ्ते अगर आपको याद हो तो जर्मनी ने रशिया के कुछ डिप्लोमेट्स एक्सपेल किए थे तो उसके जवाब में भी रशिया ने कोई बीस के लगभग जर्मन डिप्लोमेट्स जो थे वो रशिया से एक्सपेल किए थे नेक्स्ट इज़ वट वाज द नेम ऑफ द ल्यूनर लैंडर अटेम्प्टड बाई अ जपनीज स्टार्टअप आई स्पेस फॉर द फर्स्ट प्राइवेट लैंडिंग ऑन द मून विच लास्ट कम्युनिकेशन ऑन अप्रैल ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एक जपनीज प्राइवेट कंपनी है आई स्पेस के नाम से इन्होंने आज से कोई चार महीने पहले एक ल्यूनर लैंडर भेजने की कोशिश की मून पे ये ल्यूनर लैंडर जो है इट वॉज सपोज टू लैंड ऑन मून ऑन ट्वेंटी सिक्स अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री लेकिन लैंड करने से पहले ये अपना कम्युनिकेशन लास्ट कर गया और ये मिशन जो है ये नाकाम हो गया ये इस तरह का पहला प्राइवेट लैंडिंग था अगर कामयाब हो जाता तो तो जो रेगुलर लैंडर इन्होंने भेजा था इसका नाम क्या है सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज हकू टू आर नेक्स्ट इज डिटेल्ड मीटिंग विद पाकिस्तान फार्मर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बिफोर आस्किंग इंडिया टू सेंड बैक इट्स डिप्लोमेट्स एंड टेक्निकल स्टाफ टू काबल इज मैं बुक द रिटर्न ऑफ द तालिबान अगर आपको याद हो कि जब अगस्त 2021 हज़ार इक्कीस में फालाफ काबुल हो रहा था तो उस वक्त बहुत सारे मुल्कों ने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुलाए थे इसी तरह इंडिया ने भी अपने डिप्लोमेट्स और टेक्निकल स्टाफ जो था वो वापस बुलाया था रिसेंटली एक बुक पब्लिश हुई है द रिटर्न ऑफ द तालिबान के नाम से इसको अतर किया है हसन अब्बास ने हसन अब्बास का कहना है कि जब अफगानिस्तान इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ को वापस बुला रहा था तो अफगानिस्तान के एक टॉप डिप्लोमेट ने इससे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा से मीटिंग की और इस मीटिंग में मशाविरत के बाद ही उसने इंडिया के डिप्लोमेट्स और टेक्निकल स्टाफ को काबुल वापस बुलाया तो ये जो अफगानिस्तान का टॉप डिप्लोमेट था ये कौन था सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज़ आमिर खान मुतकी नेक्स्ट इज हु आज द पावरफुल ईरानियन क्लर्क एंड मेम्बर ऑफ द इसम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स हु आज किल्ड इन एन आर्म्ड अटैक इन अ बैंक इन बाबुलसर ईरान ऑन अप्रैल ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री छब्बीस 20 अप्रैल दो हज़ार तेईस को ईरान का एक बहुत ही मशहूर और पावरफुल क्लैरिक जो कि असम्बली ऑफ़ एक्सपर्ट्स का भी मेम्बर था उसको किसी ने आर्म अटैक में बाबुलसर जो कि ईरान की एक सिटी है उसमें एक बैंक के अंदर उस पर अटैक करके मारा इस क्लैरिक का नाम क्या है सदा करिक्टनियज अयातुल्ला अब्बास अली सुलेमानी जो इसम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स है ये एक कंस्टिट्यूशनल बॉडी है ईरान में और ये इतनी पावरफुल है कि जो सुप्रीम लीडर है सुप्रीम लीडर इसम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स ही जो है उसकी इंतख्य करती है और इसम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स के टोटल मेंबर्स 88 होते हैं नेक्स्ट इज़ हु वाज द लेजेंडरी अमेरिकन सिंगर एंड एक्टर हु पासड अवे एट द एज ऑफ 96 सिक्स अप्रैल 25, 25 2023। फाइव अप्रैल दो को एक बहुत ही मशहूर अमेरिकन सिंगर और एक्टर छियानवे साल की उम्र में इस दुनिया से रहलत कर गया है उसका नाम क्या है द आंसर इज़ हेरी बिलाफोंटे क्वेश्चन इज वट इज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ पीपल हु लिव आउटसाइड दियर कंट्री ऑफ नेशनलिटी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डिवेलपमेंट रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है वर्ल्ड डिवेलपमेंट रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के नाम से इस रिपोर्ट के मुताबिक अंदाजा तन कितने लोग अपने कंट्री ऑफ नेशनलिटी से बाहर रह रहे हैं सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज वन हंड्रेड एंड एटी फोर मिलियन पीपल इस वन हंड्रेड एंड एटी फोर मिलियन पीपल में थर्टी सेवन मिलियन पीपल जो है वो रिफ्यूजीज़ है और वो भी इसी फिगर में इंक्लूडेड है नेक्स्ट इज विच कंट्रीज़ फ्लैग वॉज बीग फ्लोन बाई द आयल टेंकर सीज्ड बाई इरान इन द गल्फ़ ऑफ उमान आन अप्रैल ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री छब्बीस अप्रैल दो हज़ार तेईस को ईरान ने गल्फ ऑफ उमान में एक टैंकर सीज़ किया है आयल टेंकर जो टैंकर इन्होंने सीज किया है तो इस पे किस मुल्क का झंडा था सो द आंसर इज़ मार्शल आइलैंड्स नेक्स्ट इज इज इंटरनेशनल चरनोबल डिज़ास्टर रेम्बरेंस डे ऑब्जर्व एनवरी इन मेमोरी ऑफ चरनोबल डिजास्टर चरनोबल डिज़ास्टर की याद में हर साल किस दिन को इंटरनेशनल चरनोबल डिज़ास्टर रिम्बरेंस डे ऑब्जर्व की जाती है सो द आंसर इज अप्रैल 26 असल में हुआ क्या था कि उस वक्त के यूएसएसआर में एक न्यूक्लियर प्लांट था जिसको चरनोबल न्यूक्लियर पावर प्लांट कहा जाता है इसी वजह से क्योंकि चे चरनोबल में लोकेटेड था और चरनोबल आज कल के यूक्रेन में एक सिटी है तो अप्रैल 26 1986 को इसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसकी फेलर होती है और इस फेलर की वजह से बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता है इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का वर्स्ट एवर सेवन न्यूक्लियर इंसिडेंट था आज तक इसके अलावा एक और भी न्यूक्लियर इंसिडेंट अगर आपको याद है तो 2011 में फुकुशीमा न्यूक्लियर डिज़ास्टर था लेकिन वो इससे रिलेट अगर रिलेटेड की जाए तो इसके मुकाबले में वो इतना बड़ा डिज़ास्टर नहीं था जितना बड़ा डिज़ास्टर चरनोबल डिज़ास्टर था और इसी वजह से हर साल अप्रैल ट्वेंटी को चरनोबल डिज़ास्टर रिम्बरेंस डे ऑब्ज़र्व की जाती है नेक्स्ट इज़ इज़न इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑबज़र्व एनवली हर साल किस दिन को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे ऑब्जर्व की जाती है सो द आंसर इज अप्रैल 26। क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग इंडिविजुअल्स रिजाइंड एज बीबीसी चेयरमैन ऑन अप्रैल 27, 2023। ट्वेंटी अप्रैल 2023 को नीचे दिए गए अशखास् में से किस बंदे ने बी के चेयरमैन के अहदे से इस्तीफ़ा लिया है सो द आंसर इज रिचर्ड शार इस रेजिग्नेशन के पीछे वजह यह है कि रिचर्ड शार्प ने यूके के फार्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की एक मिलियन डॉलर लोन सिक्योर करने में मदद की थी चूँकि ये पोटेंशल कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट था उसका और उसने डिस्क्लोज नहीं किया था तो ये जो यू के के पब्लिक अपॉइंटमेंट रूल्स है ये उसकी एक किस्म ब्रीच समझी जाती है और इस वजह से रिचर्ड शार्प ने ख़ुद अपना इस्तीफ़ा पुट किया है नेक्स्ट इज़ विन इज कंग चार्ल थ्रीज क्रोनेशन सरमनी कैजअल टू बी हेल्ड एट लंडन वेस्टमेंस्टर एबे आपको याद होगा कि 8 सितंबर 2022 को क्वीन एलिजथ टू की डेथ हुई थी और उसके बाद चेंग चार्ल थ्री जो है वो यूनाइटेड किंगडम का किंग बना था तो उसकी जो ऑफिशियल सरमनी होनी है कोरोनेशन की ताजपोशी की तो वो अभी बाकी है और इसको कैजूअल किया गया है लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में तो ये किस तारीख़ को कोजूअल है सो द आंसर इज मई सिक्स नेक्स्ट इज विच कंट्रीज प्लेन वाज रिपोर्टेडली शार्टेड बाई अराइवल पैरामिलिट्री फोर्स एज पर द एक्यूजेशन मेड बाई सूडान आर्मी आपको पता होगा कि 15 अप्रैल से सूडान में सूडान के आर्मी और उसके पैरामिलिट्री फोर्स आर के दरमियान एक लड़ाई चल रही है पावर स्ट्रगल की रिसेंटली सूडान के आर्मी ने अपने पैरामिलिट्री फोर्स आर एस एफ को एक्यूज़ किया है और उस पर इल्ज़ाम लगाए है कि उसने एक मुल्क का जहाज़ मारा है तो ये कौन से मुल्क का इन्होंने जहाज़ मारा है सो द आंसर इज़ टर्किश यानी तुर्की का जहाज इन्होंने मारा है और बताया जा रहा है कि ये एक सी वन थर्टी प्लेन था और वहाँ पर जो टर्किश नेशनल्स थे उनको निकालने के लिए खरतूम गया था नेक्स्ट इज़ हु सस्पेंडेड इलेक्शन कम्पेनिंग आफ्टर फॉलिंग एल ड्यूरिंग अ लाइव टी वी इंटरव्यू आपको पता होगा कि चौदह मई दो हज़ार तेईस को तुर्की में आम इंतबास कैजल है तो रिसेंटली इनका एक बहुत ही अहम पॉलिटिशन जो है वह एक लाइव इंटरव्यू में बीमार होने की वजह से उन्होंने अपना इलेक्शन कम्पेन सस्पेंड किया है तो ये शख्सियत कौन है सो दर्कटॉपन टर्कश प्रेजिडेंट रुर्दगान तुर्की के प्रजिडेंट उर्दगान और बताया ये जा रहा है कि किसी ने उसको जहर दिया है लेकिन दिस इज़ नॉट कन्फर्म्ड येट नेक्स्ट इज वट डिड द तालिबान रजीम रिसेंटली डू देट वॉज कंड बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसल थ्रू अ रेजोलूशन ऑन अप्रैल 27, 2023. ट्वेंटी ट्वेंटी अप्रैल 2023 को यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी कौंसल ने एक रेजोलूशन एडाप्ट किया है जिसमें तालिबान रजीम इन अफगानिस्तान ने एक डिसीजन लिया था तो उस डिसीजन को इस रेजोलूशन के थ्रू स्ट्रांगली कंडम किया गया है तो ये डिसीजन कौन सा था सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बैन वोमन फ्रॉम वर्किंग फॉर द इंटरनेशनल पीस ऑर्गेनाइजेशन इन अफगानिस्तान अफगानिस्तान में जो तालिबान रिजीम है इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जितने भी वमेन वो एन जी ओज या आई एन जी ओज़ में काम करती है तो उनको काम करने से रोक दिया गया है तो इसी को यूनाइटेड नेशन ने इसी रिजोल्यूशन के तहत स्ट्रांगली कंडम किया है नेक्स्ट इज वेनज़ वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एटवर्क सेलिब्रेटेड हर साल किस तारीख को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क सेलिब्रेट की जाती है सो द आंसर इज अप्रैल ट्वेंटी एट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड एज द होस्ट ऑफ़ द ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन मेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप बाई द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन रिसेंटली इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन ने दो हज़ार सताईस के मैंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप के लिए होस्ट का ऐलान किया है तो कौन सा मुल्क ये वर्ल्ड कप होस्ट करेगा सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज कतर इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2023 का जो बास्केटबॉल वर्ल्ड कप है इट विल बी होस्टेड बाय थ्री कंट्रीज दैट आर फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड जापान अदर देन दैट कतर में रिसेंटली वर्ल्ड कप भी हुआ है फुटबॉल का और 2022 में और इस फुटबॉल वर्ल्ड कप का विनर था अर्जेंटाइन उसने फ्रांस को हराया था नेक्स्ट इज Which country has been named as the host of the 2026 Women's बास्केटबॉल वर्ल्ड कप by the International Basketball Federation? इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन ने 2026 के वमेन बास्केटबॉल वर्ल्ड कप के लिए किस मुल्क का इंतबाब किया है सो द आंसर इज जर्मनी नेक्स्ट इज वट ईयर विल द यूनाटेड अरब इमेरेट्स फर्स्ट गेमिंग रिजॉर्ट इंदरास अलखमा ओपन एंड एट वाटकास्ट यूनाटेड अरब इमेरेट्स का आपको पता होगा कि सात इमेरेट्स है और इन सात इमरेट्स में एक इमेरेट का नाम रास अल अलखम है यहाँ पर एक गेमिंग रिजॉर्ट बन रहा है पहले इसके बारे में बताया जा रहा था कि ये 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा लेकिन रिसेंटली इसकी डेट चेंज हो गई है तो इसकी डेट और इसका कास्ट क्या है सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज़ ओपन इन 2027 ट्वेंटी एंड कास्ट 3.9 बिलियन डॉलर दो के अवाइल में ये ओपन होगा और इस पर जो कास्ट आएगी डेट विल बी थ्री बिलियन डॉलर नेक्स्ट इज वट इज़ द नेम ऑफ़ द डिक्लेरेशन साइंड बाई द यू एस एंड साउथ कुरियन गोवर्मेंट्स रिसेंटली यूनाइट स्टेट्स के प्रजिडेंट जो बाइडन और साउथ कुरिया के प्रेजिडेंट यून सुन ने एक डिकलेशन साइन की है तो इस डिक्लेरेशन का नाम क्या है द आंसर इज वॉशंगटन डिकलेन इस डिकलेशन के बारे में ऑल ओवर द वर्ल्ड मैक्ड व्यूज़ मिल रहे हैं चाइना ने इस पर स्पेसिफिकली काफ़ी क्रिटिसिजम किया हुआ है ये डिक्लेरेशन साउथ कोरिया और यूएस के बीच में अकाइंड ऑफ डिफेंस टाइज को मजबूत करने के लिए किया गया है लेकिन इसमें जो टारगेट कंट्री है दैट इज़ नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को जो कि केम जंग उन है उसको ये धमकी दी गई है कि अगर उसने न्यूक्लियर वेपन यूज़ की तो ही विल बी नो मोर नेक्स्ट इज हु बिकेम द फर्स्ट अरब एस्ट्रोनॉट टू परफॉर्म अ स्पेस वॉक ऑन अप्रैल ट्वेंटी एट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री स्टेपिंग आउट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अट्ठाईस अप्रैल 2023 को कौन सा शख्स अरब का पहला एस्ट्रोनॉट बन गया है कि उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकल के स्पेस वॉक किया है सो द आंसर इज सुल्तान अल नियादी और सुल्तान अल नियादी का ताल्लुक यूनाइटेड अरब इमेरेट्स से है नेक्स्ट इज विच कंट्री बिकेम द थर्ड टीम टू रीच 500 हंड्रेड ओडी आई विन्स आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया अचीविंग दिस फीट इंडिया नाइन फोर्टी नाइन आई अगेंस्ट न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बाद कौन सी टीम तीसरी टीम दुनिया की बन गई है जिसने 500 सौ वनडे इंटरनेशनल मैचज जीती है सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज पाकिस्तान रिसेंटली पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सीरीज़ चल रहा है तो सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिक्स देकर तीसरी टीम बन गई है जिसने पाँच सौ वन इंटरनेशनल वनडे मैचज जीते हैं पहली दफ़ा जिस जिस टीम ने 500 सौ मैचेस जीते थे डेट वाज ऑस्ट्रेलिया उसके बाद दूसरी नंबर पर इंडिया बन गई और अब तीसरे नंबर पे पाकिस्तान बन गया है पाकिस्तान का ये इंटरनेशनल तारीख का या ओ तारीख़ का ये नाइन हंड्रेड मैच था क्वेश्चन इज इन विच कंट्री विल द एबारशन पिल बिकम अवेलेबल फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव इट्स यूज टू टर्मिनेट अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी रिसेंटली किस मिनिस्ट्री के हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये अप्रूव किया है कि अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है और इसके बाद उस कंट्री में जो एबार्शन पेल है वो अवेलेबल होंगे सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज जापान जापान के हेल्थ मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है कि अगर प्रेगनेंसी 22 टू वीक से ज़्यादा ना हो तो वो एबार्शन पिल यूज़ करके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं नेक्स्ट इज What इज द डेथ टोल इन द ongoing clashes in इन सोडान reported रिपोर्टेड आफ्टर द फाइटिंग एंटर्ड इट्स थर्ड वीक सोडान में सोडान के आर्मी और इनके पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान 15 अप्रैल से क्लैश शुरू है जब से सोडान के पैरामिलिट्री फोर्सेस ने को क्लेम किया हुआ है सोडान के पैरामिलिट्री फोर्स को लीड कर रहा है हेमेती जबकि सूडान के आर्मी को लीड कर रहा है अलबरहान और इन दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल अभी तक जारी है और इसी वजह से सोडान क्राइसिस का शिकार हो चुके हैं तो अभी तक इन क्लैश में कितने लोगों की मौत हुई है सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज फाइव ट्वेंटी एट नेक्स्ट इज विच कंट्रीज कोस्ट गार्ड हैज़ बीन वॉन बाय द यूएस टू स्टॉप हेरेसिंग फिलिपाइन वेसल्स इन द साउथ चाइना सी आपको पता होगा कि साउथ चाइना सी इन इट्सल्फ और इसके जो आईलैंड हैं ये काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग एरियाज़ है और इस पर कंफ्लिक्ट चल रहा है क्लेम्स चल रहे हैं इसके ब्रोनाई के चाइना के ताइवान के इंडोनेशिया, मलेशिया फिलिपाइंस और वियतनाम के तो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने किस मुल्क के कोस्ट गार्ड को वार्न किया है कि वो फिलिपाइंस की जो शिप्स है उसको हरास करना छोड़ दे सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज चाइनीज़ नेक्स्ट इज विच कंट्री इज़ कंसिडरिंग लीगली अलाउिंग सिंगल वुमेन एक्सेस टू इन्वेट्रो फर्टिलिटी आई वी एफ ट्रीटमेंट इन प्राइवेट क्लिनिक्स एज ट्राइज टू स्लो इट्स डेमोग्राफिक डिक्लाइन पहले आपको समझना होगा कि इन्वेट्रो फर्टिलिटी या आईवीएफ ट्रीटमेंट क्या होता है ये एक प्रोसीजर है जिसमें एक रिमूव किया जाता है वोमेन के ओवरी से और इसको कंबाइन किया जाता है स्पाम के साथ आउटसाइड द बॉडी और ये बन जाती है एम्ब्रियो इस एम्ब्रियो को फिर लैब में रखी जाती है कुछ दिनों के लिए और इसके बाद इसको प्लेस की जाती है वोमेन के यूटेरस में और फिर जो है वाम की प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट हो जाती है तो इसको आई ट्रीटमेंट कहा जाता है तो रिसेंटली कौन सा मिल्क अब इस वाई आई ट्रीटमेंट को लीगल करने का सोच रही है सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ चाइना चाइना में आपको पता होगा कि चाइना की पापुलेशन बहुत तेज़ी से जो है वो कम हो रही है और बताया जा रहा है कि 2060 तक शायद अगर इसी पेस से चलती रही तो चाइना की पॉपुलेशन आधी हो जाए तो इसके बारे में चाइना काफ़ी फिक्रमंद है और कुछ जो है ना तरीके सोच रहे हैं कि इसको किस तरीके से ये पापुलेशन डिक्लाइन रोका जाए तो रिसेंटली अब ये इसको भी लीगल करने के सोच रहे हैं कि आई ट्रीटमेंट जो है प्राइवेट क्लिनिक में वो लीगल करे नेक्स्ट इज वट काज द डेथ्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ एलेवन एंड नाइन पीपल रिस्पेक्टिवली इन लुधियाना पंजाब इंडियन स्टेट पंजाब में एक सिटी है जिसका नाम लुधियाना है वहाँ पर नौ लोग मर चुके हैं और ग्यारह लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जा चुका है तो इसके पीछे रीज़न क्या है द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज गैस लीक नेक्स्ट इज विच कंट्रीज एयरलाइन एक्सेस टू टर्की क्लोज विदाउट वार्निंग ऑन अप्रैल 29, 2023। 29 अप्रैल 2023 को तुर्की ने किस मुल्क के एयरलाइन के लिए अपना जो एयर स्पेस का एक्सेस है वो क्लोज़ किया है बगैर कोई वार्निंग दिए हुए सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज आर्मीनियन Here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time, stay blessed.